हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 11 बाब 28 ता 30 आयत तक। ए सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नर्म और मेरा बोझ हल्का है। अंजील मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे और उल्कुदस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुँचे। आज की अंजील मुकद्दस की तलावत ब मुताबिक मुकद्दस मत्ती 11वें बाब की 28 ता 30वीं आयत से पढ़ी और सुनी गई। गो के आज की तलावत 3 आयात पर मुश्तमिल है, मगर अपने अंदर दुनिया भर का प्यार, हमदर्दी, रहम, माफ़ी समेटे हुए है। यूँ लगता है जैसे खुदा यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए दुनिया के तमाम बीमारों, लाचारों, गमजदा, बेआसरा और ज़िंदगी के सताए हुए मायूस लोगों को पुकार पुकार कर दावत दे रहा है कि मेरे पास आओ। आज की तलावत में लिखा है, ए सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। मेरे अज़ीज़ो, एक आम शख्स को ये कलमात हमदर्दी और प्यार के मीठे बोल लगते होंगे, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे तो ये यहूदियों, फरीसियों, फकीहों और आलम शरा के लोगों के सामने कहे, और उनके नज़दीक ये अल्फाज किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रबी, किसी उस्ताद, किसी फरीसी और किसी आलम के नहीं, और ये अल्फाज सुनकर उनके दिल छिद गए होंगे। यही वजह है कि खुदा यीशु मसीह को रद्द किया गया, यीशु मसीह के ख़िलाफ़ लोग हो गए, यीशु मसीह को कत्ल करने की फ़िक्र में लग गए, क्योंकि उन्होंने इस कलाम को कबूल ही नहीं किया। एक यहूदी मफक्कर ने अपनी तहरीर में लिखा कि काश यीशु मसीह ने ये ना कहा होता कि मैं तुम्हें आराम दूंगा। एक आम शख्स के नज़दीक आराम का मतलब है सुकून। एक आम शख्स के नज़दीक आराम का मतलब है गुनाहों से माफ़ी, जिस्म की थकावट से रिहाई पाना। लेकिन यहूदियों के नज़दीक आराम का मतलब है सब्बत। आराम वो है जो खुदा ने पहले दिन किया, तख्लीक को करने के बाद 7वें दिन खुदा ने आराम किया, और जिसकी तलकीन खुदा ने की कि सब्बत के दिन को पाक रखना और उसमें बदनी मेहनत का काम ना करना। लेकिन खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ही दे सकता है। इशाया नबी की किताब में लिखा है कि खुदा ही आराम दे सकता है। जबूरों को अगर पढ़ते हैं, मजामीन में जा बजा लिखा है कि वही तुझे आराम देगा। खुदा ही हमें आराम देता है। खुदा ही है जो बनी इसराइल को 40 साल के बाद, उसने उन मिस्र की गुलामी के बाद उनको आराम अता किया, और खुदा ही है जो हमेशा का आराम अता करता है, अपने उस आराम में शामिल करता है। और आज खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें आराम दूंगा। यहूदियों के नज़दीक ये अल्फाज सिर्फ और सिर्फ खुदा ही कह सकता है, यानी खुदा यीशु मसीह ने ये कलमात कहे तो ये वो अल्फाज थे जो किसी नबी, किसी रबी, किसी उस्ताद या किसी मुफक्कर के बस की बात नहीं थी और ना ही ये कोई कह सकता है। खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहकर ये साबित कर दिया कि वो एक मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है। वो वही खुदा है जो अर्मिया नबी ने लिखा, ये वही कदीम खुदा है जिसने इस ज़मीन की तख्लीक के बाद आराम किया और अब इस धरती पर आया है ताकि उस असली आराम में फिर से शामिल करे, उसी आराम में जो अदन में मुयस्सर था और गुनाह की बदौलत इंसान से छिन चुका था। मेरे अजीज़ों, आराम का मतलब है बातनी तौर पर पुरसकून होना। आराम का मतलब है खुदा के आराम में दाखिल होना, यानी एक ऐसे आराम में दाखिल होना जो मुकम्मल है। आराम का मतलब है गुनाहों से रिहाई और माफ़ी, जुर्म से पाक ज़िंदगी गुजारना, हर गम व फिक्र से आज़ाद होना और खुदा के सब्बत में दाखिल होना। खुदावन्द यीशु मसीह ने ये सिर्फ दावा ही नहीं किया था बल्कि उसने बेशुमार बीमारों, माजूरों, लाचारों, अंधों, लूले, लंगड़ों, कोड़ियों और ज़माने के सताए हुए रद्द किए हुओं को सीने से लगाया, उनके गुनाह माफ़ करके नई ज़िंदगी अता की और वो हमसे प्यार करता है, वो हमें कभी भूलता नहीं है। लिखा है कि क्या औरत अपने शीरखार बच्चे को भूल जाती है कि अपने शिकम के फर्जंद पर रहम ना करे, और अगर वो भूल भी जाए पर मैं तुझे ना भूलूँगा, देख मैंने तुझे अपनी दोनों हथेलियों पर खोदा है। मेरे जिज़ो, खुदा की मोहब्बत लाजवाल है, वो हमारी फिक्र करता है। मेरे जिज़ो, इस वक्त जब मैं ये पैगाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी बीवी दूसरे कमरे में गहरी नींद, पुरसकून नींद सो रही है, हालांकि उसे फ़िक्रमंद होना चाहिए, हालांकि मुझे भी फ़िक्रमंद होना चाहिए, मेरे बच्चों को भी फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि कल हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आने वाला है जब उसका ऑपरेशन होगा। कल सुबह उसके पित्ते का ऑपरेशन है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक उसका पित्ता पथरियों से मुकम्मल तौर पर भर चुका है और अब ऑपरेशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं। हमें परेशान होना चाहिए लेकिन हम पुरसकून हैं, क्योंकि आज की इस तलावत ने हमें भरोसा दिया है। खुदा यीशु मसीह के इन अल्फाज से हमें सुकून मिला है कि कोई तो है जो हमारी फ़िक्र करने वाला है, क्योंकि उसने कहा, ऐ थके मांदे और बोझ से दबे वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और हमारा ईमान है कि खुदा यीशु मसीह, जो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद, हकीमों का हकीम, सर्जनों का सर्जन और खुदावंदों का खुदा है, वो हमारे साथ है, वही हमें आराम देगा, वही सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी देगा, क्योंकि जो कोई उसके पास आ जाए वो उसे मायूस नहीं करता, उनके दुख दर्द अपने ऊपर उठा लेता है और उन्हें आराम देता है। वो गुनाह से नफ़रत करता है मगर गुनहगार से प्यार करता है, और उसका वादा है कि गो तुम्हारे गुनाह पहाड़ से भी बुलंद क्यों ना हो जाए, मैं उन्हें समंदर की अथाह गहराइयों में फेंक दूंगा और फिर उन पर नज़र ना करूंगा।
मेरे अज़ीज़ो, खुदा यीशु मसीह का दूसरा फरमान है कि मेरा जुआ उठा लो। जुआ लकड़ी के उस आले को कहते हैं जिससे दो बैलों को बांधकर उन पर वज़न डाला जाता है। इस तलावत में जुए का मतलब तालीम और तरबियत है, निजात पाने का रास्ता है, कवानीन है। खुदा यीशु मसीह ने तौरात और सहीफ़े अंबिया के तमाम कवानीन को दो कवानीन में बदल दिया और फिर दोनों को एक बना दिया, यानी मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत। अगर हम सिर्फ़ खुदा से मोहब्बत रखें और पड़ोसी से मोहब्बत ना रखें तो हमारी मोहब्बत अधूरी है, और अगर हम इंसान से मोहब्बत रखें और खुदा से मोहब्बत ना रखें तो भी हमारी मोहब्बत अधूरी ही रहेगी। मोहब्बत की तकमील उसी वक्त होती है जब हम खुदा से भी मोहब्बत रखें और इंसान से भी, और यही वो वाहिद अजीम हुक्म है, यही वो जुआ है जो खुदावन ने हमें दिया। यानी खुदा मोहब्बत है और वो साबिर है और मुलायम, और हसद नहीं करता, शेखी नहीं मारता, नाजेबा काम नहीं करता, खुद गर्ज नहीं होता, गुस्सेवर नहीं है, वो कह करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो हलीम है और दिल का फरोतन है, और चाहता है कि हम भी उसी की मानिंद बने। और मेरे जीजो, ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए, उसे अपना निजात दहिंदा, अपना खुदा माने और उसके हुक्मों पर अमल करें और नेक और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें। ये पाकीज़गी उसके पाक कलाम और उसके पाक लहू से मिलती है। उसके पास आए, अपने रंजो अलम, दुख व तकलीफ, मुसीबतें सब उसे दे दें और अब्दी आराम पाएं। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।